फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऊपर। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों बीसी पॉइंट का सिस्टम के ऊपर। दोस्तों यहां पे दोस्तों आप अगर आप लोग बीसी पॉइंट लेना चाहता है और उसका साथ दोस्तों प्लस आपको आधार एनरोलमेंट का भी सर्विस मिलेगा। तो कौन सा ऐसा सर्विस है जिस सर्विस के तहत आपको आधार अपडेट का भी काम मिलेगा, आधार करेक्शन का भी काम मिलेगा और आप आधार न्यू बना भी सकती है। तो क्या है दोस्तों, कौन सा कंपनी आपको दे रहा है दोस्तों, कौन सा बैंक दे रहा है दोस्तों, कौन सा बीसी दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट में अभी बहुत सारा कंपनी का भी नाम मैं भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ हालांकि मैं हमारा नजर में हमारा सामने दो बैंक आया, दो कंपनी आया है जिस कंपनी के थ्रू आप दोस्तों आधार एनरोलमेंट सेंटर ले सकती है, लेकिन आपको बीसी आईडी लेना चाहिए। ठीक है, तो बीसी आईडी लेने का दोस्तों क्या आपको टारगेट रहेगा, बीसी आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ हम लोग बोलेंगे। जिन भाई लोगों ने दोस्तों इस कुछ स्टेट में होगा तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आ रही है एक बैंक जिस बैंक का नाम दोस्तों बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक। उसके बाद दोस्तों आ रही है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का भी कस्टमर सर्विस पे लेना चाहता है तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आधार एनरोलमेंट सेंटर लेने का। तो कैसे आप ले सकती है वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मोबाइल स्क्रीन ओपन करेंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले सर्च करना है क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीसी आईडी। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको चला जाना है उसी का वेबसाइट में। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों आधार कौन देता है दोस्तों, यूआईडीआई देता है। ठीक है, तो यूआईडीआई के ऑफिशियल साइट में जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करना है और हम आपको बताने के लिए जा रही है स्क्रीन रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो दोस्तों मैं स्क्रीन लगा चुका हूँ। अभी हमको क्या करना दोस्तों, यहाँ पे क्रोम में ओपन करना। ठीक है, गूगल क्रोम में ओपन करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लोडिंग लेगा। यहाँ पे हमको लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, यूआईडीआई डैशबोर्ड, यूआईडीआई डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जब लिखेंगे फ्रेंड्स, उसका बाद हमारा सामने आधार डैशबोर्ड यूआईडीआई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारा सामने इस तरह इंटरफेस खोल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप किस तरह आधार एनरोलमेंट सेंटर भी ले सकती है प्लस बीसी आईडी भी ले सकती है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते कितना अपडेट हुआ है, कितना केवाईसी ऑथेंटिकेशन सब कुछ दोस्तों डेली का डेली दोस्तों यहाँ पे अपडेट होता है। ठीक है, तो उसके नीचे दोस्तों आपको आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन आधार सर्विस, यहाँ पे आपका सामने आएगा अपडेट आधार डिटेल्स, यहाँ पे आपको आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका सामने आधार सर्विस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको आएगा यूआईडी का ऑफिशियल साइट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं इतना कुछ सर्विस आपको आ रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इस जगह में आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप देखो चेक आधार टू बैंक, यहाँ पे सब कुछ आप लोग देख भी सकती है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको चला जाना है न्यू टैब ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कौन सा कहाँ पे आपको चला जाना है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऊपर। जब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकती है सब कुछ, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके देख सकती है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाने वाला दोस्तों, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे और न्यू टैब में क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको लिखना है दोस्तों यूटीआई। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाते हो यूटीआई, उसके बाद दूसरे टीएसएल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों UTI TSL.com ऑफिशियल साइट दोस्तों यूटीआई कंपनी का। और दोस्तों इस कंपनी के थ्रू दोस्तों आपको बैंक बीसी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको आधार सर्विस प्रोवाइड करेगा। और बैंक बीसी के लिए दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों को बताने के लिए जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। चलिए मैं उसी का साइड में चला जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद चलिए वहाँ पे वो पोर्टल है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आधार, यहाँ पे हम लोग चला जाएंगे लोकल। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमको सैंपल क्या करना है, फिर पोस्टल पिन कोड का जरिए हम लोग जाएंगे। पोस्टल पिन कोड में क्लिक किया है, यहाँ पे हमको सैंपल दोस्तों हमारा पिन कोड को डाल देना है, जो भी हमारा पिन कोड होगा इस पिन कोड को यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चर कोड को डालना है दोस्तों, जो भी हमारा कैप्चर कोड यहाँ पे शो होगा इस कैप्चर कोड दोस्तों यहाँ पे हमको फिल कर लेना। ठीक है, टीवी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेट सेंटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों आईपीपी की तरफ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकती है ये भी दोस्तों आईपीपी का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया है, ये 30 दिन हुआ है दोस्तों, लेटेस्ट 30 दिन में आप 14 अपडेट हुआ है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख ही सकती है। यहाँ पे भी सेम दोस्तों आईपीपी दोस्तों सब भी दोस्तों जो यहाँ पे देख पा रहे आप लोग सब भी मालदा का अंदर ही है। हम लोग दोस्तों मालदा से है और ये दोस्तों सीएससी की तरफ से दोस्तों एक आया है यहाँ पे, जो यहाँ पे आप लोग देख सकती है ये जो है कहाँ पे वो भी रोतुआ है, यहाँ पे इंडियन बैंक की तरफ से भी दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकती है। और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों एक ये भी मालदा डिस्ट्रिक्ट का अंदर ही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा गाजोल मिलेगा और डेमोग्राफी सीएससी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे दिए कहाँ पे ये दोस्तों दिया है, ये भी दोस्तों मालदा का अंदर दिए। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस तरह देख सकती है कौन कौन दे रहा है यहाँ पे बीसी। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है और न्यू टैब ओपन किया है यहाँ पे आप लोग देख सकती है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सैंपल यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे आधार सेवा केंद्र विजिट यूटीएल आधार सेवा केंद्र, तो यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक कर लेना है, इसी जगह में आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे नीचे डाउन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग आधार का तरफ से दोस्तों आपको यहाँ पे 4-5 सर्विस मिलेगा, जिस सर्विस का दोस्तों कुछ कॉस्टली है और कुछ सर्विस दोस्तों फ्री है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों आधार एनरोलमेंट एंड चाइल्ड में दोस्तों फ्री है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता दिया है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU ऑलिंग विद या डेमोग्राफी ये भी फ्री है और फुल बायोमेट्रिक के लिए दोस्तों इतना आपको चार्ज लगेगा। अभी आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप मोड कर लेता हूँ क्योंकि मोबाइल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे आप लोगों को समय इस तरह इंटरफेस खोल कर आएगा। अभी आपको देन सैंपल क्या काम है दोस्तों, आपका यहाँ पे सैंपल काम है यहाँ पे देख पर दोस्तों आधार सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आधार सर्विस में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, दोस्तों यहाँ से आप लोग बुकिंग भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे नीचे 3 नंबर में जो आएगा दोस्तों आधार सेंटर लोकेशन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सामने इस तरह इंटरफेस खोल आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है सिलेक्ट सेंटर कर लेना है, जो भी आप सेंटर देना चाहते हैं। यहाँ पे कलकत्ता को सिलेक्ट करेंगे, जब दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता को करेंगे तो यहाँ पे जो कलकत्ता का हेड ब्रांच है दोस्तों उसी का नंबर यहाँ पे शो करेगा, नंबर तो नहीं शो करेगा दोस्तों, इसका यहाँ पे फुल डिटेल शो करेगा। उसके बाद दोस्तों उससे भी आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइम भी दिया है, अभी आप लोगों को क्या करना है वो भी पता करना है, कैसे पता करना है मैं आप लोगों को भी बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सर्विस वर्क एक ऑप्शन रहेगा, सर्विस में चला जाना है, यहाँ पे सॉरी सर्विस में जा भी सकती है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में भी जा सकती है। चलिए मैं कॉन्टेक्ट आप लोग देख रहा हूँ, कैरियर्स में चला जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को नीचे यहाँ पे होम में चला, सबसे होम में जा रहा हूँ, होम से आप लोगों को दिखाने का अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा दोस्तों क्या क्या सर्विस, आप लोग सब भी देख सकती है। क्लिक कर विजिट में क्लिक करेंगे फिर से दोबारा, और यहाँ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पे देख पा दोस्तों कस्टमर फीडबैक, यहाँ पे आपको कस्टमर फीडबैक में क्लिक करना है, वहां से दोस्तों आपको पूरा जानकारी लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग सर्विस में भी जा सकती है, सर्विस में बहुत सारा सर्विस मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ से टेंडर भी आप लोग जा सकती है, टेंडर से भी आप बहुत सारा टेंडर भी जो इस बैंक का सॉरी इस पोर्टल का जो टेंडर है वो भी आप लोग ले सकती है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यूटीआई का, अगर आप लोग आपका पास यूटीआई का तरफ से आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा तो कैसे होगा, अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। और दोस्तों जो बैंक बीसी दे रहा है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दे रही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आप लोग सीएसपी ले लेना, आरबीएस कंपनी के थ्रू सब ले सकती है। चलिए थैंक यू, वीडियो देने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय।